धुआंधार बल्लेबाज ऋषभ पंत का फॉर्म बहुत ही खराब, टीम में जगह नहीं बनी। आज के आर्टिकल में हम आपको ऋषभ पंत के आंकड़े और टीम में वापसी नहीं कर पाने की कमियों का राज खोलेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, ऋषभ पंत एक बहुत ही धुआंधार बल्लेबाज हैं, लेकिन कुछ दिनों से उनका फॉर्म बहुत खराब चल रहा है और वे रन नहीं बना पा रहे हैं, जिसकी वजह से उन पर सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन वीरेंद्र सहवाग उनको सपोर्ट करते हुए कहते हैं, ऋषभ पंत दिग्गज खिलाड़ी हैं और उन्हें टीम में मौका मिलना ही चाहिए। ऋषभ पंत के आंकड़े बहुत खराब चल रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें टीम में जगह नहीं मिल रही है। न्यूजीलैंड से चल रही द्विपक्षीय सीरीज में भारत 4-0 से आगे, लेकिन अभी तक पंत को टीम में मौका नहीं मिला है। संजू सैमसन, मनीष पांडे, श्रेयस अय्यर टीम में वापसी कर चुके हैं, लेकिन ऋषभ की जगह नहीं बन पा रही है। जैसा कि हम जानते हैं, न्यूजीलैंड से चल रही सीरीज बहुत ही रोमांचक हुई है और पिछले दो मैच सुपर ओवर में तब्दील हुए हैं, जिसमें भारत ने रोमांचक जीत प्राप्त कर T20 वर्ल्ड कप जीतने की संभावना जता दी है और टीम को पूरा विश्वास है कि टीम इस साल कमाल कर दिखाएगी। ऋषभ पंत को अपना फॉर्म वापस लाना पड़ेगा, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप अक्टूबर नवंबर में होने वाले हैं और उन जैसे काबिल खिलाड़ी की टीम को सब जरूरत है। वे अपनी बैटिंग के दम पर मैच खत्म कर सकते हैं, लेकिन कुछ दिनों से ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। श्रीलंका के खिलाफ पंत 6 रन पर पवेलियन लौट गए थे और न्यूजीलैंड के खिलाफ 8-8 रन बनाकर पवेलियन वापस चले गए थे। पंत के T20 कैरियर की बात करें तो अभी तक वे 25 मैचों में 410 रन बनाने में भी कामयाब हो पाए हैं, जिसमें उनके 2 अर्धशतक शामिल हैं। लेकिन वेस्ट इंडीज से हुए 6 अगस्त 2019 के मैच के बाद पंत एक भी 50 नहीं मार पाए हैं, जिसकी वजह से टीम से बाहर बैठे हुए हैं। ऋषभ पंत अपनी बैटिंग के दम पर पूरे विश्व में जाने जाते हैं और एक बार चौके छक्कों की बरसात करना चालू कर देते हैं तो रुकते नहीं है। लेकिन कुछ दिनों से उनके बल्ले पर भी बोल नहीं लग रही है और इंडिया टीम में खेलने के लिए परफॉर्मेंस बहुत जरूरी है और वे खुद भी जानते हैं कि उनके पीछे संजू सैमसन, रिद्धिमान साहा, ईशान किशन जैसे धुरंधर कीपर, बल्लेबाज बैठे हुए हैं और KL राहुल ने तो परफॉर्म करके टीम में जगह बना ली है।